हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे हैं प्लस वन की अकाउंटिंग, जिसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हमारा चल रहा चैप्टर नंबर वन, जिसमें आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। पूरी अकाउंटिंग की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो बेसिकली अकाउंटिंग, आप देखो कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके अंदर भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका कोई गोल होता है कि मैंने जो है अच्छे मार्क्स लेने हैं, या फिर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, वो टॉपिक आपने समझना है, इसलिए आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, बिना पर्पस के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तभी हम अकाउंटिंग करते हैं। सो वही हम इसके अंदर देखेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो सबसे पहले हमारा आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, कि जो हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन है उनका एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो वो यही चाहेगा ना कि उसकी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रही है प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाओ, ताकि चीज़ें मिक्स ना हो। अगर वो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, कितनी चीज़ें आई हैं, कितनी चीज़ें गई हैं, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जो है चीज़ों को एक अप्रोप्रिएट अकाउंट्स हम बनाते हैं, कि सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक मैनर में हम रिकॉर्ड करते हैं। देन है हमारा सेकेंड, असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स हर कंपनी को, चाहे कोई भी, चाहे कोई नॉर्मल बंदा भी अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो ये तो देखता ही है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर बिजनेस अकाउंटिंग तभी करते हैं क्योंकि उनका मेन पर्पज़ ये भी होता है, उनका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उनको पता चले कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमें आगे ऐसे ही काम कंटिन्यू करना चाहिए, और कैसे हम और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर लॉसेज हो रहे हैं तो भाई पता है क्या एक्शन लेंगे, कि भाई कहीं ना कहीं हमारी कुछ गड़बड़ है, हमने वो ठीक करनी है, जो भी हमने मिस्टेक्स की है उनको ठीक करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि जो हमारे लॉसेज हो रहे हैं उनको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। देन हमारा थर्ड है असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजिशन, कि हमारे बिजनेस की क्या पोजिशन है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, मशीनरी हमारे पास कितनी पड़ी है, कितने हमारे पास फर्नीचर है, कितने हमारे पास बिल्डिंग है, कितनी ओनर्स की कैपिटल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भी जो है हम अकाउंटिंग करते हैं। देन है असिस्टिंग दी मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, बजटिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, कि भाई फ्यूचर के लिए प्लान बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसके बेस पे, तो अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसकी हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेता है, उसकी हेल्प से जो है वो अपना कंट्रोल कर सकता है, कि जहाँ लॉसेज हो रहे हैं वहाँ पे हमने कंट्रोल करना है, इफेक्टिव कंट्रोल हो हमारी जो है, हम मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके, यानी हमारी मिनिमम कॉस्ट लगे और हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, कि हम चीज़ों को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकें, ये मैनेजमेंट का काम होता है। सो तब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको पता होगा कि हमारे बिजनेस की कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितने प्रॉफिट है, कितने लॉस हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, तभी तो वो जो है अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन ले पाएगा। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, कि जो हमारे यूज़र्स हैं, जिन भी इंडिविजुअल्स को हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है क्योंकि उनको अपना जो है टैक्स पे करने के लिए, तो वो भी आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ही नहीं बना, आपको पता ही नहीं कितने प्रॉफिट कितने लॉस है, तो आप क्या कम्युनिकेट करोगे। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो जो भी यूज़र्स हैं, एक्सटर्नल यूज़र हो चाहे इंटरनल यूज़र हो, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग जो हम यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम करेंगे
फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा फर्स्ट आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अब देखो जो हमारे फंक्शंस हैं और जो हमारी इंपॉर्टेंस है, मोस्टली सारे क्या हैं, मिलते जुलते हैं। एक दो चीज़ें इसमें कुछ अलग लिखेगी, अलग लगेगी आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की हमारा पर्पज़ क्या था, फंक्शन मतलब अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है, वो किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। अब ठीक है, ये दोनों हम जो है सेम सी टर्म्स है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव की हमारा पर्पज़ क्या है उसके पीछे, और फंक्शन यानी अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। सो सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, यानी अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रख सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। like, हमने पहले जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, फिर उसको लेजर में पोस्ट किया, फिर हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए, तो ये सारा क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का, राइट। देन हमारा सेकेंड आता है कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अकाउंटिंग इज यूज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटी टू दी इंटरेस्टेड पार्टीज, कि जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको बताना है कि हमारे कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लाइबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्म करना टू दी इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी जो वही वाला जो हमने इम्पोर्टेंस में पढ़ा कि जो यूज़र है उनको कम्युनिकेट करना, राइट। देन हमारा थर्ड आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स में मतलब द अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू कम्प्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी लाइक इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, कंपनीज एक्ट हो गया उसको फॉलो करना है, तो ये डिफरेंट प्रोविजंस हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपने स्टेटमेंट्स हैं जो, और जो आपकी रिटर्न्स हैं, एनुअल रिटर्न्स हैं, एनुअल अकाउंट्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न है, ये सारी जो आपको सबमिट करनी होती हैं। सो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है, इनके अंदर भी जो हेल्प करती है हमारी अकाउंटिंग, जो कि कंपल्सरी होता है। देन है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इसकी हेडिंग से समझ आ रहा है कि हमारे जो बिजनेस एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना कि वो वेस्ट ना हो। हमें अब जैसे हमें पूरा हमने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करके रखा हुआ, हमारी जो एक मशीनरी है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है इतने जो हमने लेबर रखे हुए हैं, तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड हमने अगर रखा हुआ तो हमें पता होगा कि कहाँ पे हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे हमें जो उस चीज़ को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। सो हम जो है अपने बिजनेस एसेट्स को जो है वेस्ट होने से बचा सकते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही कि हमारे जो मैनेजमेंट है उनकी हेल्प करता है ये प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेशन में, जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं कि वो उनको अच्छे से प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। फोरकास्टिंग का मतलब यही होता है कि फ्यूचर के लिए देखना कि भाई कैसे हमने क्या करना है, प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना, कंट्रोल करना जहाँ पे कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना। अगर हमें सब कुछ पता है कि हमारे इतने प्रॉफिट है, इतने लॉस है, हमारे पास इतने लेबर है, इतनी हमारी मशीनरी जो है, इतनी हमारे पास एसेट्स है, इतनी हमारी लाइबिलिटी है, तो उन सारी चीज़ों को हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उनके बेस पे जो हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हो गए, राइट। अब जो आपको अगर इनका पूरे डिटेल में आपने पढ़ना है तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर देना, मैं सारा आपको जो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक भी जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।